अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इस वक्त एक और नर्सरी पर मौजूद हूँ जो कि कराची यूनिवर्सिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में पाई जाती है, और इस नर्सरी की मैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको बता दूँगा कि कहाँ पे पाई जाती है। तो यहाँ पर मुझे कुछ गुलदाउदी के प्लांट्स रखे हुए नज़र आए हैं, तो सोचा गुलदाउदी के प्लांट्स मैं दिखा दूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे गुलदाउदी के प्लांट्स के बारे में पूछा था और मैंने उनको यही कहा था कि मुझे जैसी नज़र आएंगे तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो आज इस वक्त मैं इस नर्सरी पर मौजूद हूँ जहाँ पर गुलदाउदी के बहुत सारे प्लांट्स मुझे नज़र आए हैं। 3 बेड्स नज़र आ रहे हैं, देखिए जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये मुझे गुलदाउदी के प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे हैं जिनमें कलियाँ खिल रही हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 15 दिन तक ये सारी कलियाँ खिल जाएंगी और फिर इन सब की खूबसूरती नज़र आना शुरू हो जाएगी। और कराची में उम्मीद है उस वक्त तक थोड़ी बहुत ठंड भी पड़ जाएगी। तो यहाँ पर गुलदाउदी के प्लांट्स सेल के लिए मिल रहे हैं, डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, अननोन वैराइटीज़ हैं, इनको मेरा नहीं ख्याल इनको मालूम होगा क्योंकि गुलदाउदी की चंद वैराइटीज़ होती हैं जिनको लीव्स से आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, अदरवाइज़ मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कुछ ख़ास ख़ास खसूसियात, आप उस लोगों को साथ साथ बताते जाऊँगा कि क्या क्या है। अब देखें जिस तरह से ये एक वैराइटी है, इसके लीव्स का पैटर्न अलग है, इसमें अलग तरीके के फूल खिलेंगे, वो सामने सिर्फ और सिर्फ उसमें कलियाँ नज़र आ रही हैं, पत्ते बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कुछ इस तरीके की वैराइटी है और सबको और अलग बहुत सारे कलर्स होते हैं, ठीक है। एक चीज़ बता दूँ, ड्वार्फ वैरायटी भी होती है, ये देखें ये अलग वैरायटी है। तो जब फूल आता है तभी इनकी कन्फर्मेशन होती है, फिर इसकी टैगिंग लगानी पड़ती है जो कि नर्सरी वाले अमूमन नहीं कर रहे होते क्योंकि जस्ट इनको सिर्फ सेल करना होता है, ठीक है। तो ये इनके पास गुलदाउदी के प्लांट्स रखे हुए, मैं सारे जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये भी एक इसमें फूल खिलना शुरू हो चुका है और ये मौजूद है। अभी यहाँ पे जो भाई आते हैं उनसे मालूम करते हैं, मैंने इनसे स्नोबॉल वैरायटी का इनसे मालूम किया है कि अगर इनके पास हुई तो ये मुझे बताएंगे, तो देखते हैं फिर शायद मैं उसको अपने लिए ले लूँ। और ये भाई यहाँ पर आ रहे हैं, अच्छा इनसे भी पूछ लेते हैं। ओके व्यूअर्स, तो वीडियो को रिज्यूम करते हैं। ये देखें ये ड्वार्फ वैरायटी इनके पास है 300 रुपये का, और ये टॉल वाली है 250 और 200 रुपये रेट है, ठीक है। ये टॉल वाली जो है बड़े फूल वाली, ये बड़े फूल वाली है, इम्पोर्टेड है सारी, लोकल नहीं है, ठीक है। इम्पोर्टेड वैरायटी, इसके क्या रेट है? ये 250 रुपये का, ये 250 रुपये का दे रहे हैं। और वो ड्वार्फ वाली 200 तक का होलसेल रेट होता है, वैसे करा तो हम 300 रुपये वन पीस दे रहे हैं, ठीक है। होलसेल रेट पे लेंगे तो 200 रुपये का, अदरवाइज ये 300 रुपीज़ का ये सेल कर रहे हैं। तो ये बटन वाली मिनीचर वैरायटी है और ये सब इनकी खुद की तैयार की गई है, और बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ हैं जैसे कि इन्होंने मुझे बताया है। तो ये सारे प्लांट्स मौजूद हैं। अच्छा भाई मैं ज़रा देख लेता हूँ, प्लांट्स दिखा देता हूँ और फिर अपना आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी मुझे बता दीजिएगा। सही है, इनसे हम कार्ड ले लेंगे। और ये देखें ये सारे प्लांट्स मौजूद हैं इस तरफ वाले। अब देखें जैसे कि ये मैं आपको दिखाऊँ कि अगर आप लोगों को गुलदाउदी का शौक़ पूरा करना चाहें, लेकिन डिपेंड करता है कौन सी वैरायटी लें, अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। मेरे पास स्पेस नहीं है, वरना मैंने किसी ज़माने में कलेक्ट करना शुरू की थी। देखिए एक ये वैरायटी है, छोटा सा प्लांट है और फुल कलियों से भरा हुआ है, ठीक है। वो अलग वैरायटीज़ हैं, वो टॉल वैरायटीज़ हैं, फिर उनमें अलग अलग तरीके के फूल निकलते हैं, फूलों का पैटर्न भी अलग अलग होता है। और पीछे चलते हैं, दिखा देता हूँ। तो सिर्फ मैं आइडिया देने के लिए कि देखिए यहाँ पर ये प्लांट्स मौजूद हैं और ये नर्सरी कहाँ है, जैसा कि मैं अगर आपको सामने दिखाऊं, ये कराची यूनिवर्सिटी का बोटैनिक गार्डन बॉटनिकल डिपार्टमेंट, उसके मैं अपोजिट खड़ा हुआ हूँ और ये नर्सरी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जैसे कि ये देखें, लेकिन मैं सिर्फ इस वीडियो में गुलदाउदी ही कवर कर रहा हूँ। कोई और अच्छी चीज़ नज़र आएगी तो मैं आपको दिखा दूँगा। तो ये देखें एक ये वैरायटी है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कलियाँ खिली हुई हैं, पत्ते ना होने के बराबर हैं, ये कौन सी है अब ये पता नहीं। तो ये सारा इनके पास गुलदाउदी का कलेक्शन है जैसा कि इन्होंने बताया, इनसे मैंने खुद इनकी वॉइस आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी ताकि पता चल सके। और इन्होंने ये भी कहा था, बहुत सारे लोग आते हैं वीडियोस बनाने के लिए यहाँ पर, यूट्यूब से आते हैं और इनकी फेस भी फ्रंट पर दिखाते हैं, जिससे कि थोड़ा सा एतराज़ कर रहे थे कि ये मेरी फेस बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है और लोग वीडियोज़ बना बना के जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाएंगे जिससे नर्सरी वालों को प्रॉब्लम हो। तो ये है बस यहाँ तक मेरा काम था, मैंने फैसिलिटेट किया कराची के गार्डनर्स को जहाँ पे गुलदाउदी के प्लांट्स रेडी स्टेट में मिल रहे हैं। अब इंशाल्लाह किसी और नर्सरी पे मुझे नज़र आएंगे तो मैं वो भी दिखाऊंगा। तो स्टार्ट यहाँ से मैंने ले दिया है,
जिसको अच्छा लगे, जो इस नर्सरी को अप्रोच कर सके, जो इस नर्सरी पे आ सके, वो ज़रूर आए और यहाँ से अपने पसंद के प्लांट्स ले जाए। रेट्स भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। तो वीडियो को एंड करते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो को एंड करते हैं, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।